वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय, पत्रकार की रिपोर्ट। एमएनसी आशुतोष सिन्हा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी। अड़तालीस घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा स्पष्टीकरण। वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा द्वारा 24 जनवरी सोमवार को कलेक्टरेट के शासकीय कार्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने तथा मुद्रित प्रचार सामग्री पैम्फलेट वितरित किए जाने को गंभीरता से लेते हुए 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किया। उन्होंने नोटिस जारी करते हुए यह भी निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर प्रकरण को निर्वाचन आयोग को ज्ञानित करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा प्रचार के दौरान उनके द्वारा प्रयुक्त साइकिलों में से एक साइकिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई थी, जो कि आदर्श आचार संहिता में विहित दो पहिया वाहन हेतु अनुमन्य प्रचार सामग्री से आच्छादित नहीं है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों द्वारा किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है, इसीलिए अधिकारियों से दबाव बनाया जा रहा है। क्या है देखिए, हम लोग कोविड का और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, क्योंकि आचार संहिता में 10 लोगों को चुनाव आयोग ने अनुमति दी है, हम लोग 6 लोग साइकिल से चलने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है, उसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग कचहरी आए थे, क्योंकि अधिवक्ता जागरूक होते हैं, मैं स्वयं अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए आज अधिवक्ताओं के बीच में हम लोगों ने जाने का काम किया, उनको समझाने का और उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया। किस तरह से आज अभी एसएम फोर्स से आप लोगों का बहस हो रही थी, क्या मामला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी डर गई है, पूरी तरह से हताश है, निराश है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये अधिकारियों के माध्यम से ये इसी तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादियों को। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर सड़क पर चलने का काम करेंगे, साइकिल से चलने का काम करेंगे और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। बात यूनिट फ्री जो माननीय अखिलेश यादव ने देने की बात कही है, चुनाव आचार संहिता, चुनाव देखिए आचार संहिता लगने के बाद भी मैनिफेस्टो की घोषणा की जा सकती है और मैनिफेस्टो हर पार्टी अपना लेके आती है। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में ये चीजें हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम किसानों को फ्री सिंचाई के लिए बिजली देंगे, हम जो है फ्री लैपटॉप देने का काम करेंगे, तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे, शिक्षकों को जो है जो अवित्तहीन के शिक्षक हैं उनको मानदेय देने का काम करेंगे, जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, प्रेरक हैं, उनकी मजबूती से बात रखने का काम करेंगे, उनको सम्मानजनक मानदेय देने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और उन्हीं नीतियों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, उनका फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से स्पष्टीकरण भी मांगा है इस अभियान, स्पष्टीकरण तो मांगना चाहिए उन मीडिया और प्रेस के लोगों से भी जो लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं गलत, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। जो देश के गृह मंत्री बिना मास्क के सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर घर घर प्रचार करने का काम कर रहे हैं, तो ये स्पष्टीकरण ज्यादा जरूरी है मांगना। यहाँ हम लोग 5-7 लोग जो ईमानदारी से जो कोविड गाइडलाइन का भी पालन करते हुए और आदर्श आचार संहिता का भी पालन करते हुए हम लोग सड़कों पर निकलने का काम करेंगे और लगातार जब तक हमारी सरकार नहीं बन रही है हम लोग 7 मार्च तक काम कर सकते हैं।